नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्व मित्र और दा मसला में मसला एक बार फिर किसान आंदोलन से जुड़ा है। किसान आंदोलन में इस वक्त क्या हो रहा है? जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस वक्त क्या सोच रहा है? उनकी प्लानिंग क्या है आगे आंदोलन को लेकर? वो क्या चाहते हैं? हमने कल बड़े किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और उसमें जो दो तीन बड़ी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं और उस पर चर्चा करने वाले हैं कि इस वक्त क्या राय है संयुक्त किसान मोर्चा की और सरकार को वो क्या कह रहे हैं। पहले ये दो तीन बड़ी बातें उनकी सुन लीजिएगा, फिर हम इस पर बात करते हैं। ने नंबर नहीं दिया, बात तो हम कर लेते लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया कि कौन से नंबर पे बात करनी है। जैसे आपके जब बात कर रहे हैं तो देश के लिए बोल देते हैं कि हम बात करने के, रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं हर चैनल पे, हर उसमें हम रोज बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है। बट यू काम विद सम प्रपोजल, बात नहीं, टाइम जगह और प्रपोजल के साथ आइए, हम बात करने के लिए। क्या कॉल की दूरी है? अब ये कॉल बताओ, कॉल तो उन्हीं को करनी है ना, और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। 11 बार उन्होंने बुलाए, 11 बार गए, 11 बार में तो बात नहीं निपटी, 12वीं बार बुलाए गए तो भी जाएंगे, हमने तो कभी इनकार किया ही नहीं जाने से। ये देश का जो सीईओ है वो बोलता है 5G, 2G, FDI, ये सब क्या बातें हैं? बल्कि ये कोई सिंसियर बातें हैं? आप, एक इतना बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन में पूरे देश के लोग लगे हुए हैं, उसमें इस तरह का वो करना, वो भी पार्लियामेंट में, ये कहा कि टोटल नॉन सीरियसनेस गवर्नमेंट का भी, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मंडियों के बारे में उन्होंने जो बोला है कि प्राइवेट मंडी भी होगी गवर्नमेंट में, हमने बहुत क्लियर कर दिया है उन्हें पहले 11 राउंड्स में कि प्राइवेट मंडियों में नहीं चाहिए। सेकेंडली MSP है, था, रहेगा, उसके बारे में हमारा कहना ये है कि MSP नहीं था। MSP बिहार में कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, MSP नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में MSP और गेहूँ और पैडी पर मिलता है, मक्की पे नहीं मिला है। तमाम 23 फसलों को बाजार खरीदे, सरकार खरीदे, सबको एक गारंटी होना चाहिए कि अगर उसको MSP नहीं मिला है, वो व्यापारी ने खरीदा, तब भी जनता उसका जो उसकी जो सज़ा का वो होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। इसलिए हमारा ये कहना है कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, MSP ना हमके जो है वो हमें मंजूर नहीं है। तो सुना आपने, तीन बड़े किसान नेता बोल रहे थे, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी और डॉक्टर दर्शन पाल। इनका यही कहना है कि अब MSP पर सरकार अगर लिखित में कानूनी गारंटी दे तभी बात बनेगी। सभी जो 23 फसलें हैं उन पर लिखित में दें, बोलने से काम नहीं चलेगा। इनका कहना है कि सरकार और प्रधानमंत्री अक्सर बोलते हैं कि MSP है, रहेगा और था, लेकिन वो MSP तय करने की बात करते हैं, वो देने की बात नहीं करते। इसलिए अब लिखित में MSP चाहिए 23 फसलों का, और जो MSP से नीचे फसल खरीदेगा उसको फिर सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगली बात, जैसा प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, उस पर गुरनाम सिंह चडूनी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने हमें नंबर नहीं दिया है, मतलब वो तो कॉल नहीं कर रहे हैं। हां, अगर वो नंबर दे देते तो हम ही उनको कॉल कर लेते। डॉक्टर दर्शनपाल कहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने लोकसभा या राज्यसभा में बोला है आंदोलन को लेकर या आंदोलन जीवी परजीवी को लेकर, मतलब ये बातें प्रधानमंत्री साहब को शोभा नहीं देती हैं, मतलब ये नॉन सीरियस बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं उस आंदोलन में, खासकर जो सबसे बड़ा आंदोलन इस वक्त देश का, और उस आंदोलन को जिसको समाज का हर वर्ग आज साथ दे रहा है, जनता साथ दे रही है। तो क्या जो साथ दे रहे हैं आप उनके बारे में ऐसा बोलेंगे? तो ये है बड़ी बातें। यानी अब संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि सरकार जो है वो बातचीत के लिए बुलाए और बातचीत में MSP पर लिखित कानूनी गारंटी दे।
तो मतलब नेताओं का यह भी कहना है कि फिर संशोधन पर बात हो सकती है, विचार हो सकता है, तो ये एक नई बात है। खैर, इस पर अब आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इस वक्त, और किसान नेताओं ने अगला प्लान भी आपको बता दिया है कि उन्होंने आगे आगे क्या करना है, कैंडल मार्च निकालना है या फिर रेल को रोकना है या जिस तरीके से भी उन्होंने आगे ऐलान कर रखा है, इस पर अब आपने आपकी राय क्या है वो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें लिखकर भेज दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप तक पहुंचे फिर द मसला के इस चैनल को आपने सपोर्ट करना है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल और इस चैनल की जो सही रिपोर्ट है वो पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।